गुड मॉर्निंग गाइस, देखिए मैं क्लास 7 में चैप्टर है आपका ये टॉपिक है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। तो सबसे पहले हम रेखा के बारे में बात ना सुन लेना आराम से। पॉइंट पॉइंट की डेफिनेशन है बिंदु से इट है नो लेंथ, इसकी ना तो लंबाई होती है ब्रेड, ना तो चौड़ाई होती है एंड हाइट, ना तो इसकी ऊंचाई होती है, इसे हम पॉइंट कहते हैं। लाइन लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। इट इज स्ट्रेट, यह एक सीधी होती है। इट हैज लेंथ, इसकी लंबाई होती है। इट कैन बी ड्रॉन ऑन बोथ साइड, इसे दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। तो लाइन को हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, उसे हम लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं रेखा खंड। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, यह एक रेखा का भाग होता है। इट कैन बी ड्रॉन ऑन बोथ साइड, इसे दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। इट हैज ए डेफिनेट पॉइंट, इसके दोनों निश्चित बिंदु होते हैं, इसे हम बोलते हैं रेखा खंड बोलते हैं। रेस को हिंदी में बोलते हैं ग्रेड। इट इज ए स्ट्रेट, यह एक सीधी होती है। इट हैज एन इनिशियल पॉइंट, इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। It can be drawn only one side, इसे केवल एक ही ओर बढ़ाया जा सकता है। तो हमारी एक ही ओर बढ़ती है, बाकी की हम देखेंगे।